Hello everyone, I'm Dipanshi and I welcome you to my channel. I hope that you are doing really well. The title देखकर आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने वाली हूँ बट दीज आर फ्रॉम द सेम ब्रांड. तो आज का हमारा ब्रांड है न्यूयॉर्क बे विच इज अवेलेबल ऑन अमेजोन एंड पर्पल. सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू दिस रिव्यू. सो गाइज दिस इज नॉट एनी स्पॉन्सर्ड वीडियो. मेरे को ऐसा कोई कोलैब वगैरह नहीं आता न्यूयॉर्क बे की तरफ से. मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स अपने खुद से लिए हैं एंड इनको मैं काफ़ी टाइम से यूज करती आ रही हूँ. अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज देखते रहोगे ना मेकअप की तो उसमें आपको दिखेगा कि मैं कितने टाइम से इन प्रोडक्ट्स यूज करती हुई आ रही हूँ. सो आई थॉट दैट दिस इज द परफेक्ट टाइम टू रिव्यू दीज मेकअप आइटम्स. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट विद मी इज देयर फाउंडेशन स्टिक एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. सो ये है मेरे पास इन द शेड हनी. आई एम गोइंग टू सोहो. आई गेस 16 शेड है मैं बता दूँ. एंड ये अंदर से ना इतनी ज़्यादा खाली भी हो चुकी है. ठीक है, इसका मतलब आपको पता जाएगा कि मैंने यूज़ भी की हुई है. सो दिस इज़ द शेड विद मी. सो दिस हैज़ बेसिकली येलो अंडरटोन बट जब ठंडी की वजह से मैं एकदम लाल गुलाल हो जाती हूँ तब के लिए ये फाउंडेशन इज नॉट एट ऑल परफेक्ट बिकॉज तब बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है आई एम गेटिंग पेल. बट इफ़ यू आर प्रॉपर येलो अंडरटोन पर्सन देन दिस इज़ अ वेरी गुड फाउंडेशन फॉर यू. अगर कवरेज की बात करूँ सो दिस हैज़ अ लो टू बिल्डेबल मीडियम कवरेज एंड ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल. इसका जो प्राइस है वो मैं यहाँ मैंशन कर दूंगी बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने इसको कितने पर लिया था. सो नेक्स्ट ऑन आई हैव देयर कॉन्ट्रोल स्टिक विद मी. सो दिस इज अगेन अ स्टिक और ये उसके कंपेरिजन में दिस इज क्वाइट लॉन्ग. दिस इज अ क्रीम कॉन्ट्रोल एंड ब्लेंड रियली स्मूथली. द शेड इज वेरी अमेजिंग. एकदम द परफेक्ट कॉन्ट्रोल फॉर माई फेस. इससे मैंने अभी यूज किया हुआ है एंड आई क्रिएटेड अ 3-on-2 माई फेस और काफी अच्छे से ब्लेंड हो गया एंड गेव माई फेस अ वेरी कट एंड स्ट्रेच्ड लुक. एंड दिस इज वेरी मच क्रीमी. यू कैन ब्लेंड इट यूजिंग अ ब्रश और इवन अ ब्लेंडर. तो ब्लेंडर की हेल्प से भी काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. आई एम गोइंग टू शो यू. इसमें काफी सारे और शेड भी अवेलेबल है. यू कैन यू नो चूज एनी शेड दैट यू लाइक अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन. एंड आपने देखा कि ब्लेंड भी हो गया विच इज रियली नाइस. सो आई हैव द शेड 14 विद मी विच इज स्टेटमेंट इन चेस्टनट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. और सिर्फ इतना ही बचा है मेरे पास और मैंने बाकी का सारा यूज कर चुकी हूँ. तो ये बहुत ज्यादा क्रीमी है, ब्लेंडेबल है एंड ऑल्सो द शेड इज एग्जैक्टली व्हाट माई फेस नीड टू गेट कॉन्टोर्ड. और उसी के साथ साथ दिस इज अगेन वेरी अफोर्डेबल एंड न्यूयॉर्क बे के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली द मेकअप वंस आर वेरी गुड एंड अफोर्डेबल. तो मुझे ये वाला कॉन्टोर स्टिक बहुत ज्यादा पसंद है. मैं रिकमेंड करूँ कि आप और कुछ ट्राई करो ना करो बट यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट दिस कॉन्टोर स्टिक वंस. आई हैव दिस विद मी. सो दिस इज तो मैंने ये लिया था जब मैं अपनी मेकअप वैनिटी बना रही थी एंड आई थॉट दैट आई शुड ऐड मोर प्रोडक्ट्स इनटू इट एंड आई थॉट ऑफ गेटिंग माय सेल्फ अ मेकअप फिक्सर. तो मैंने सोचा कि मेरे पास न्यूयॉर्क बे का इतना सारा सामान है देन व्हाई नॉट अ मेकअप फिक्सर फ्रॉम न्यूयॉर्क बे ओनली. तो वही मैंने देखा. सो दिस इज द मेकअप फिक्सर एंड दिस इज द मोस्ट यूजलेस प्रोडक्ट दैट आई हैव विद मी. वहां पर तो नाम लिखा आया था कि ये मेकअप फिक्सर ही है बट यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये मेकअप फिक्सर है. तो ये मेरी आंखों में इतनी ज्यादा जलन करता है जब मैं इसको स्प्रे करती हूँ. सपोज दिस इज माय फेस एंड फ्रॉम हियर आई एम स्प्रेइंग. तो इतनी दूर से मैं स्प्रे करूँ तभी भी ये मेरी आंखों में बहुत ज्यादा इरिटेशन कॉज करता है जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद. एंड ये अभी बहुत सारा मेरे पास बचा भी हुआ है. सो दिस इज ऑफ नो यूज और मेरे 200 रुपए सीधे बर्बाद चले गए. किसी भी काम के नहीं आया मेरा ये. इट सेज इट इज इजी टू अप्लाई, कीप्स द स्किन सॉफ्ट, अब्सॉर्ब्स क्विकली, हेल्प इन स्किन रिपेयर, एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर, कंट्रोल सीबम प्रोडक्शन विच इज ऑल that you get from a toner. So this is basically a toner. You should definitely not go for this product. मैं शायद पहली बार किसी प्रोडक्ट के बारे में ऐसा कह रही हूँ. आपकी आइज को बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज करेगा एंड ऑल्सो दिस डज नथिंग टू योर स्किन एंड डेफिनेटली नॉट अ मेकअप फिक्सर. सो नो टू दिस प्रोडक्ट. याद रख लो, इसको देख लो, इसको कभी भी नहीं लेना. तो एक बुरे प्रोडक्ट दिखाने के बाद आई हैव टू मेकअप फॉर दिस ब्रांड. तो मैं आपको दिखाने वाली एक बहुत ही अच्छा खास प्रोडक्ट फ्रॉम दिस वन एंड आई हैव देयर काजल विद मी, द बिग एप्पल ऑफ माय आई कॉल. एंड ये कुछ इस तरीके का दिखता है, वाइट एंड ब्लैक, इस पर सारी डिटेलिंग है. एंड दिस काजल इज वेरी नाइस. तो स्मोकी आई के लिए एक काजल जो कि अच्छे से यू नो ब्रश की हेल्प से स्मज हो जाए वो वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो वही सोच के आई ऑर्डर दिस वन. मोस्ट ऑफ द काजल जो भी मैं अप्लाई करती हूँ जैसे मेबलिन हो गया, लैक्मे हो गया, सारे ही स्मज हो जाते हैं एट सम पॉइंट. बट ये वाला कुछ जल्दी स्मज हो जाता है विच इज़ नॉट अ बिग डील. गिव्स अ प्रॉपर डार्क ब्लैक कलर इन जस्ट वन स्ट्रोक. सो या दैट वॉज इट.
I have 3 grand items with me from their lipstick range, and these 3 are my favorite Bullet lipsticks because they are very good, they're creamy, the shades are perfect. We have got a huge variety of shades in these range, और उसी के साथ साथ they stay for a long time on your lips. तो सबसे पहले है मेरे पास ये वाला शेड, which is shade number 1, Peppy Pearson, and I'm going to swatch it. So this is the shade, and जिसके आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छा न्यूडिश ब्राउन शेड है, एंड दिस जस्ट कम्प्लीट्स माई मेकअप. मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसको यूज करना, और अगर आप देखोगे ना तो मैंने इसको बहुत ही ज्यादा यूज किया हुआ है, एकदम घूमी है अब ये, बस इतनी ही बची है. एंड दीज लिपस्टिक्स आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू ड्राई योर लिप्स. सो ऑन दैट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शेड विच इज समवट सिमिलर टू दिस वन बट डिफरेंट है. पहले वाला ये था एंड दिस इज द सेकेंड वन. तो आप देख सकते हो कि शेड में थोड़ा सा फर्क है, दिस वन इज अ बिट मोर डार्क, है ना. तो इसका जो शेड है मेरे पास इज 15, विच इज जोई डिजन शेयर लिपस्टिक, वे यूनिक नेम, एंड सो इज द शेड. मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये. ये हल्का सा ज़्यादा शाइनी है, थोड़ा ज़्यादा क्रीमी है इससे, एंड उसी वजह से मुझे शायद ये वाला ज़्यादा पसंद है जो मैंने आपको पहले दिखाया. सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, आई हैव अ वाइन शेड विद मी जिसका नंबर है 15 फ्रॉम अक्रॉस मैनहट्टन ब्रिज, एंड दिस इज द शेड. सो दिस इज अ वेरी डार्क वाइन शेड. सो जिन लोगों को बोल्ड लिप शेड्स पसंद आते हैं, दिस इज डेफिनेटली फॉर देम. मुझे पसंद है बट दिस शेड इज नॉट फॉर मी. माई मॉम लव्स दिस शेड और वही इसे अप्लाई करते हैं. अगेन आई एम सेइंग कि ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, ज़्यादा ही बोल्ड है एज ऑफ वट आई प्रेफर अप्लाइंग. तो उसके हिसाब से आई डोंट लाइक दिस वन एज मच. अभी भी देखो मैंने डार्क शेड अप्लाई किया हुआ है, बट दैट इज इन अ वेरी न्यूडिश पिंकिश शेड. बट ये जो है ना, दिस इज वे टू फार फ्रॉम वट आई हैव अप्लाइड. तो ये थोड़ा मरून एंड रेड का मिक्सचर है. सो ना, द लास्ट थिंग विद मी एंड देन दिस रिव्यू इज ओवर. तो मेरे पास है एक लिक्विड लिपस्टिक फ्रॉम द न्यूयॉर्क एक्स शक्ति बे कलेक्शन, जो कि शक्ति है डांसर. मेरे पास है ये रेड शेड, एंड इसका जो नंबर है इज सेक्सी सालसा नंबर 3. ये वाला शेड मुझे अच्छा लगता है. जब ये नया नया मेरे पास आया था ना, तो मैंने सोचा था कि यार मैं इसको कैसे ट्राई करूंगी, आई एम नॉट एट ऑल इनटू रेड शेड्स. तो मैंने इसको एकदम एवरीडे मेकअप लुक के साथ पेयर अप किया, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था. तो जब भी आपको डार्क शेड यूज़ करना है जिसमें एक शरार यू आर गोइंग विद लाइट मेकअप, एंड जो लिक्विड लिपस्टिक है वो काफ़ी ज़्यादा देर लगाती है सूखने में, बट जब एक बार सूख जाती है ना तो आप इसको स्मज नहीं कर सकते. एंड ऑल्सो दिस इज ट्रांसफर प्रूफ, विच इज अ वेरी गुड थिंग. फिलहाल मेरा हाथ की ऐसी की तैसी हो चुकी है, एंड इसी के साथ ये दो लिपस्टिक्स हैं जो कि मैंने निकाली है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं. आप इनको ज़रूर ट्राई करना. जो शक्ति वाली रेंज आई है इसमें और भी काफ़ी अच्छी अच्छी लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, अगर आपको लिक्विड लिपस्टिक्स पसंद है तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करना. सो दिस वॉज माई मिनी रिव्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव फ्रॉम न्यूयॉर्क बे, एंड आई होप कि आपको ये रिव्यू पसंद आया हो. और अगर ऐसा हुआ है देन यू गाइज नीड टू टेल मी अबाउट इट इन माई कमेंट्स बिलो. आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करना ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिलती रहे. एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन अ गिव अवे इज लाइव ऑन टू माई यूट्यूब चैनल, यू कैन गो एंड पार्टिसिपेट इन दैट गिव अवे. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब देन यू नीड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो, जो कि हर ट्यूजडे फ्राइडे को होता है. सो आई विल बी वॉचिंग इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर फॉर योरसेल्फ. बाय बाय.